हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? तो आज आज हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? तो आज हम जा रहे हैं वास्ता की वादियों में। गाइस, इंतजार खत्म हुआ। जो लोग सूरत से आने वाले थे वो आ गए हैं, तो अभी हम निकल पड़े हैं हमारी मंजिल की ओर। भाई साहब हमारे साथ ही है, आपको चप्पल और कैमरा लेना हो तो हमारा कांटेक्ट कर। हे गाइस, तो अभी हम वास्ता से आगे वासेदराव गांव में। तो यहां से पहाड़ का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर जैसा। तो ये है डंडक वन। यहाँ से जा सकते हो आप, डंडक वन का गेट है ये। ભાર્ગવના વ્લોગમાં બે શબ્દ દાદી કઈ કહેવા માંગો છો? બે શબ્દ, એક પણ વધારે નહીં કે ઓછો નહીં? નીલયભાઈ, નીલયભાઈ વ્લોગમાં કઈ કહેવા માંગો? કહેવાનું તો એવું કે ભાર્ગવભાઈ જોડે મજા તો આવી રહી છે, મને પહેલા ચશ્મા પહેરવા દેવ પણ આવા મિત્રો આપણા મિસ્ટર ભાર્ગવ છે ને, એની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। કોઈરો આગળ જતા બહુ આગળ જવાનો છે। સબસ્ક્રાઇબ શું કરવાનું છે? સબસ્ક્રાઇબ ભાર્ગવ, ભાર્ગવ આ યાદ રાખીને બ્લોગમાં લેવાનું। સબસ્ક્રાઇબ ઓકે, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, સબસ્ક્રાઇબ। શું ભાર્ગવભાઈ શું કરવાનું છે? સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે। તો ગાઈસ, ફાઇનલી હમ જા રહે હૈ ઉપર ઉપર કી ઓર। ઓ હમારે જમીલભાઈ આગે આગે ચલ રહે હૈ, हमारे ग्रुप वाले सभी। ए बॉयज, रेडी रेडी फॉर ट्रैकिंग? उत्साह क्यों नहीं दिखाई रहा है? बिली पत्र क्या है, कैसा है, क्यों है, इससे हमें कुछ पता नहीं, कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अभी तो शुरुआत हुई है ट्रेकिंग की और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। हमारे सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। हमारी भाभी जी थक गई है तो अभी रेस्ट लिया है। ओके, तो गाइस मुख्य रास्ता तो गाइस मेन रोड ये था, यहाँ से ऊपर आना था लेकिन हम वहां से घूम के आए हैं क्योंकि इधर से नीचे पानी बहुत ज्यादा बह रहा था इसलिए, और हमारी टीम यहाँ आ गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टालकी हिल, वो है वास्ता से 3 या 4 किलोमीटर। वास्ता से आप वास्यातलाव, वो वास्यातलाव से 2 किलोमीटर। 45 मिनट का ट्रैकिंग है, तो 45 मिनट में आपकी क्या चढ़ने की कैपेसिटी की है? तो नहीं नहीं वो थोड़ा दूर है वहां से, वो आहवा रोड पे आता है, बड़ा वाटरफॉल वहां जाना था लेकिन इधर आ गए। तो आप देख सकते हो, वैसे हम अभी बाइन भाई हृदय पहुंचा के बाकी छोजे नहीं, 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 अभी तो 20%
तो हमारे गाइड हैं भविन भाई। भविन भाई वो बोल रहे हैं कि अभी तो 20% खत्म हुआ है और बहुत ज़्यादा बाकी है, तो देखते हैं आगे कैसा रास्ता है, आगे कैसा रास्ता है। और हम ट्रैकर्स हैं तो हमें कितनी देर लगती है वो देखते हैं। ओ शिट, थोड़ा रास्ते में रुकावट आ गई थी। थैंक यू अशोक भाई। तो आपको दिखाता हूँ कैसा रास्ता है वो। तो गाइस बहुत ही बढ़िया एडवेंचर था यहाँ से रास्ता यहाँ तक का। और आगे ऐसा है कि आगे भी ऐसा कुछ हो तो देखते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। तो अभी सभी मित्रों यहाँ पहुँच गए हैं 20% ट्रैक पूरा करके, रेस्ट ले रहे हैं। ओके। आपका स्वागत है पर गाइस ऐसा है कि और तेरी रास्ता बहुत डेंजर है। आप ऐसे अकेले ट्रैकिंग नहीं कर सकते, आना है तो ग्रुप के साथ आना होगा और साथ में एक गाइड भी लाना होगा जो यहाँ का लोकल हो। हम तो वैसे यही गांव के तो नहीं है लेकिन रास्ता के हैं तो हम लोकल ही हुए, तो ऐसे हम घूम सकते हैं अकेले। तो ऐसा रास्ता है कुछ, देखते हैं आगे हमारा ट्रैकिंग कैसा रहता है और आपको दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हेलो ऐसा है, वैसे हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो थोड़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है हमें। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट डीजे देते रहिए और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो कंटेंट देखते रहिए। ओ वाव, बहुत ही बढ़िया। वहाँ पे यहाँ के गांव लोगों का एक देव थानक है। ओके वहाँ पे, ओके वहाँ पे है देव थानक जो हमारे वासदा और डांके एरिया में सब प्रकृति पूजा करते हैं। तो यहाँ के लोकल लोग यहाँ पूजा विधि करने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ है। और आगे जाना है क्या गोविंद भाई? ओके, तो यहाँ से सीधा ऊपर जाना है पहाड़ पे। ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तो अभी हमारे अजय फैंस आ गए हैं। और ब्रो कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एडवेंचर है ये हमारी पहाड़ों में जंगल में जाने के लिए और घूमने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, क्यूरियोसिटी। आवाज आवाज आवाज, किसी को आवाज देने तो हम
देखे बिना आवाज नहीं लगा सकते, इसलिए हमने ये ऐसा कोड रखा है। तो गाइस अभी हम 50% डिस्टेंस कवर किया है और सभी लोग फोटो खिंचा रहे हैं अपने खुद के लिए और रील्स बनवा रहे हैं और हम भी खुद की रील्स बना ली है, 2-3 क्लिप ले ली है और अभी वॉक का टाइम है तो वॉक कर लेते हैं थोड़ा। और यहाँ आके ऐसा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको पता ही है कि हम नेचर में जाते हैं तो खो जाते हैं, तो ऐसा है। आप देख सकते हो गेड़ को, वो भी फोटो खींच रहे हैं अभी और वो दे रहे हैं मिहिर भाई और ये अक्षय AR फुटवेयर रणकुआ। ओके, ये भाई बोल रहा है कि मेरी इंस्टा आईडी बोल दो। प्रमोशन मांग रहा है सारा, प्रमोशन मांग। ओके, इसकी इंस्टाग्राम है मिहिर गरासिया। ओके, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। और ये है अशोक भाई, स्टार कैमरा सर्विस रिपेयरिंग सेंटर। ओके, आपको कोई दिक्कत हो कैमरे में तो आप उसको बोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे और कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। तो ये तो होता रहता है सभी ट्रिप में, सभी लोग रहते हैं तो आप पहचानते ही हो। तो आप बात करते हैं ये नज़ारे की, आपको दिखाते हैं 50% डिस्टेंस पे हमने जो नज़ारा देखा वो बहुत ही बढ़िया है और ऐसा है, ऐसा यहाँ से सीन आ रहा है। ओ हो, क्या ही बताइए आपको, ऐसा है कुछ। यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है नीचे वाला, वो गांव कौन सा है वो मालूम नहीं लेकिन। तो गाइज हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं है, हम हमारे साथ बियर गिल्स को साथ में लाए हैं, आप देख सकते हो। हमारे बियर गिल्स ऊपर चढ़ जाएगा तो हम आते हैं ऊपर। तो गाइस फाइनली शुरुआत करते हैं फिर से और चलते हैं आगे, 50% डिस्टेंस तो बाकी है वो पूरा करते हैं और देखते हैं आगे का सीन। और अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी एनर्जी आ गई है तो देखते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। तो सभी लोग आगे चल पड़े हैं और हम पीछे रह गए थे क्योंकि हम फोटो खिंचवा रहे थे तो थोड़ा देर हो गया। ओके, कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और दिखते हैं। ओके, सभी मित्रों आगे जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम आगे जा रही है और हम पीछे हैं। तो सभी को भूख लगी है तो सभी घोड़े चना खा रहे हैं। अपना घोड़ा, ओहो थैंक यू सो मच बरो। तो गाइस फाइनली हम ऊपर तक पहुंच चुके हैं और सभी की खुशी आप देख सकते हो। ये सामने दिख रहा है किला डैम है, ये वाला जूट डैम है, सभी ओवरफ्लो है, दोनों ओवरफ्लो हो चुके हैं। और वहाँ पीछे वांगड़ का वो पहाड़ है जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ सामने वाला आकड़ा दोध, वांगड़ की पहाड़ी के पे हो जो आकड़ा दोध है। और इस साइड तोरण डूंगर है, यहाँ से सभी प्लेसेस दिख सकते हैं। गाइस आपको वैसे साइड सीन तो दिखा दिया लेकिन अब हमारी स्टाइल में आपको दिखाते हैं साइड सीन। ओके, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।